सो दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता ही है कि होंडा की CBR सीरीज की बाइक्स इंटरनेशनल मार्केट में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है और इंडिया में भी हम इन सभी बाइक्स का काफ़ी टाइम से वेट करते आ रहे हैं। लेकिन होंडा इंडियन मार्केट में सिर्फ एक्टिवा पर ही फोकस कर रही थी, लेकिन अब फाइनली होंडा ने अपनी CBR 250 RR को इंडिया में पेटेंट करवा दिया है। क्योंकि अभी यामाहा अपनी R3 और MT-03 को इंडिया में लेकर आ रही है, तो होंडा भी अपनी CBR 250 RR को 2023 में ही इंडिया में लेकर आने वाली है। और दोस्तों, ये एक बिल्कुल ऑफिशियल न्यूज़ है और अगर आपको इस न्यूज़ का सोर्स जानना है तो फिर आप डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर जाकर देख सकते हो। और रिसेंटली ही होंडा ने अपनी CL250 और CL300 इन दोनों स्क्रैम्बलर टाइप की बाइक्स को इंडिया में पेटेंट करवाया है और उसके बाद अब होंडा ने CBR 250 RR को भी इंडिया में पेटेंट करवा दिया है। और CBR 250 RR, CL250, CL300 और CB350 क्रूजर, ये सभी बाइक्स जो कि आपको 2023 में होंडा की तरफ से देखने को मिलने वाली है। और CBR 250 RR जब से इंटरनेशनल मार्केट में लॉन्च हुई थी तब से लेकर अभी तक इंटरनेशनल मार्केट में काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है और इंडिया में भी हम काफ़ी टाइम से CBR 250 RR का वेट करते आ रहे हैं। लेकिन अब फाइनली होंडा इस बाइक को इंडिया में लेकर आ रही है और होंडा की CBR 250 RR एक काफ़ी अच्छी फुल्ली फेयर स्पोर्ट्स सेगमेंट की बाइक है जिसके फीचर्स काफ़ी ज़्यादा तगड़े हैं और अपने सेगमेंट में ये वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल मशीन है। इसका डिज़ाइन आपको होंडा की फायर ब्लेड से इंस्पायर्ड देखने को मिलता है जिसमें काफ़ी अच्छा एरोडायनामिक स्पोर्टी डिज़ाइन और स्टाइल है। और अगर होंडा इस बाइक को इंडिया में लेकर आ जाती है तो फिर ये बाइक इंडिया में यामाहा की R3, कावासाकी निंजा 300 और KTM की RC390 इन सभी बाइक्स के साथ कंपीट करेगी और इन सभी बाइक्स को काफ़ी टफ कंपटीशन भी देगी। और CBR 250 RR के अंदर काफ़ी शार्प डिज़ाइन ट्विन LED हेडलाइट का सेटअप दिया गया है जिसमें फेयरिंग माउंटेड LED इंडिकेटर्स भी हैं और रियर में काफ़ी शार्प LED टेल लाइट है एंड राउंड शेप्ड फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल है जिसमें काफ़ी सारे एडवांस्ड फीचर्स हैं। और CBR 250 RR की सबसे खास बात है कि इसके अंदर शोवा के सेपरेट फंक्शन, बिग पिस्टन, गोल्डन फिनिश्ड प्रीमियम अपसाइड डाउन फ्रंट फोक्स हैं एंड रियर में प्रीलोड एडजस्ट मोनोशॉक सस्पेंशन है एंड इसमें आपको एल्यूमिनियम स्विंग आर्म भी देखने को मिल जाता है एंड इसमें आपको स्प्लिट टाइप की सीट्स देखने को मिलती है और इसका राइडिंग पोस्चर भी काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव है और इसमें डबल बैरल एग्जॉस्ट सिस्टम दिया गया है और इंटरनेशनल मार्केट में इसमें 3 राइडिंग मोड्स भी हैं, कंफर्ट, स्पोर्ट्स एंड स्पोर्ट्स प्लस। और इस बाइक के फ्रंट एंड रियर में वेव टाइप के डिस्क ब्रेक्स हैं जिसके साथ स्टैंडर्ड डुअल चैनल ABS है एंड इसके अलावा इसमें आपको 14.5 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाती है। और इसकी सबसे खास बात है कि इसके अंदर 249cc का पैरेलल ट्विन सिलेंडर लिक्विड कूल DOHC इंजन है जिसकी मैक्सिमम पावर है 42 PS एंड मैक्सिमम टॉर्क है 25 Nm जिसके साथ 6-speed ट्रांसमिशन है एंड बाइक में 110/70 सेक्शन का फ्रंट टायर है एंड 140/70 सेक्शन का रियर टायर है और दोनों ही काफ़ी अच्छे सुपर वाइड ट्यूबलेस टायर्स हैं। और इसमें आपको क्विक शिफ्टर, असिस्टेंट स्लिपर क्लच और ट्रैक्शन कंट्रोल, ये सभी फीचर्स भी देखने को मिल जाते हैं। एंड अब अगर डायमेंशन की बात करें तो बाइक का वेट है 168 kg और सीट हाइट है 790 mm जिससे कि शॉर्ट राइडर्स के लिए भी ये बाइक काफ़ी कंफर्टेबल रहेगी। सो गाइज, ये बाइक यामाहा की R3 से ना ही फीचर्स में कम है और ना ही लुक्स एंड डिजाइंस में, और इंडियन मार्केट में ये बाइक बहुत ही बड़ा धमाका करने वाली है। तो अब फाइनली बात करते हैं इसके लॉन्च डेट और प्राइस के बारे में। तो गाइज, यामाहा की R3 और MT-03 तो फेस्टिवल सीजन अक्टूबर से नवंबर तक मार्केट में आने वाली है और ठीक उसी टाइम होंडा भी अपनी CBR 250 RR को इंडिया में लेकर आएगी क्योंकि होंडा ऑलरेडी CBR 250 RR को इंडिया में पेटेंट करवा चुकी है और इसका प्राइस आपको R3 के सिमिलर ही देखने को मिलेगा। इसका एक्सपेक्टेड एक्स शोरूम प्राइस होगा 3.5 लाख के आसपास और इसका ऑन रोड प्राइस आपको 4 लाख के आसपास देखने को मिल जाएगा। तो अब फाइनली होंडा भी अपनी बिग बाइक्स को इंडिया में लेकर आना शुरू कर रही है। तो अगर आप भी CBR 250 RR का वेट कर रहे थे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सेफ ड्राइव एंड टेक केयर।